हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हैज मॉडुलस 3 सच दैट जेड प्लस टी अपॉन जेड माइनस टी वेयर टी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर देन द वैल्यू ऑफ टी कैन बी। यहां पर फोर ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक नंबर हम लेट कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में। यहां से देखिए हमें दे रखा है कि इसका मॉडुलस 3 है तो मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा 3 और मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर देखें तो कितनी आ जाएगी 9। तो आइए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दे रखा है जेड प्लस टी अपॉन जेड माइनस टी इट इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जेड की वैल्यू हमने लेट कर रखी है एक्स प्लस आई वाई और प्लस में कितना दे रखा है टी अपॉन में यहां पर भी लिख लेंगे एक्स प्लस आई वाई और माइनस में टी। अब देखिए इसका अगर हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लें तो यहां मिलेगा एक्स प्लस टी प्लस आई वाई और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा एक्स माइनस टी प्लस आई वाई। ठीक है, अब इसको अगर रेशनलाइज करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक्स माइनस टी प्लस आई वाई के कॉन्जुगेट से। तो यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स माइनस टी माइनस आई वाई और अपॉन में भी एक्स माइनस टी माइनस आई वाई से। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा x प्लस टी की सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी x माइनस टी में तो कितना आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब x प्लस टी की मल्टीप्लाई होगी जब माइनस आई वाई में तो हमें कितना मिल जाएगा माइनस आई, ठीक है, और y x प्लस टी। इसके बाद आई वाई की मल्टीप्लाई होगी x माइनस टी में तो हमें कितना मिल जाएगा प्लस आई y x माइनस टी और फिर आई वाई की आई वाई से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा माइनस में आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन तो ये अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब अपॉन में देखिए फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी का तो यहां आ जाएगा x माइनस टी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि माइनस वन होती है तो ये आ जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको और सॉल्व कर लेंगे तो यहां कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए आई और वाई कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्लस का या माइनस का आई वाई कॉमन ले लें तो यहां कितना आ जाएगा एक्स प्लस टी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टी और प्लस में वाई स्क्वायर और अपॉन में कितना है अपॉन में तो वही है एक्स माइनस टी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर आ गया माइनस टी स्क्वायर आ गया माइनस आई वाई यहां पर देखिए एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो गया तो यहां कितना आ जाएगा टू टी। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई में आ गया टू टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टी एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मॉड जेड की वैल्यू लिखी थी एक्चुअल में मॉड जेड होता कितना है मॉड जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर स्क्वायर कर दें इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब यहां पर एक्स और वाई लिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर ये वाई स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस टी स्क्वायर माइनस आई और टू टी वाई अपॉन यहां पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इट इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो इसका मतलब जो इसका रियल पार्ट होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो इसमें रियल पार्ट कहां पर बन रहा है एक तो देखिए 9 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टी एक्स ये इसका रियल पार्ट है और ये कितना होना चाहिए 0। तो यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 9 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 3। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि देन द वैल्यू ऑफ टी कैन बी तो टी की वैल्यू क्या हो सकती है
तो टी की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो प्लस थ्री हो सकती है या माइनस थ्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।